हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे न्यू अपडेट के लिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप भी चाहते हो आपके बच्चों के घने और हेल्दी बाल तो अपनाइए ये टिप्स। बच्चों के जन्म के बाद लोग उसकी सूरत से लेकर बालों तक पर ध्यान देते हैं। बच्चों के बाल शुरुआती महीने में तो नॉर्मली बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये गुण अनुवांशिक होता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के बाल सबसे सुंदर और आकर्षक हो, लेकिन बड़ों की तरह बच्चों को भी बालों से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या आपके बच्चे के बाल झड़ते हैं? क्या आपके बच्चे के बाल नहीं बढ़ रहे हैं? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं बच्चों के स्वस्थ सुंदर बालों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के बाल क्यों झड़ते हैं? बच्चों में बालों की समस्या का मुख्य कारण पोषण की कमी, अनुवांशिक या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ये बार बार बच्चों के बालों को शैम्पू से धोने के कारण भी हो सकता है। अगर बच्चे के बाल धो रहे हैं तो आखिर तक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शैम्पू में हानिकारक केमिकल ना हो। एक और चीज, कभी भी सीधा शैम्पू बच्चों के बालों पर ना लगाएं। शैम्पू का प्रयोग पानी में घोल कर करें। कई लोग बच्चों के बालों में पका हुआ तेल या सरसों के तेल को गुनगुना करके भी लगाते हैं, जो गलत है। खारा पानी, प्रदूषण और बीमारी भी बच्चों में बालों की प्रॉब्लम के अहम कारण है। नवजात शिशुओं की स्किन जिस तरह से बेहद नाजुक होती है, ठीक उसी तरह से उनकी सिर की त्वचा और बाल भी कोमल और नाजुक होते हैं। अक्सर माएँ शिशुओं के सिर की मालिश तेल से करती हैं, लेकिन सिर पर कई दिनों तक तेल लगा छोड़ देती है। इससे धूल गंदगी स्कैल्प पर चिपक कर गंदगी की परत जमा देती है। ऐसे में शिशुओं के सिर की स्किन के साथ बाल की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सिर पर बाल ही नहीं होते हैं। हम आपको कुछ विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए स्पेशल हेयर केयर टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से शिशुओं के स्कैल्प और बालों को स्वस्थ रखा जा सकता है। इस स्पेशल बेबी हेयर केयर रूटीन का चयन करने से घने, मुलायम और हेल्दी बाल पाने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में। स्वस्थ बालों के लिए तेल लगाना है जरूरी। एक्सपर्ट्स के अनुसार तेल लगाना हेल्दी बालों के विकास का पहला कदम है। ज्यादातर बच्चों में सिर की स्किन में ड्राई, डैंड्रफ और बालों का कम विकास देखा जा सकता है। इसे डेली तेल लगाकर और सिर की तेल मालिश करके दूर किया जा सकता है। उन प्रोडक्ट्स का चूज करना चाहिए जिनमें नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो बच्चों के बालों के लिए सुरक्षित और कोमल होने के लिए जाने जाते हैं। सही हो शिशु के लिए हेयर ऑयल। सही बालों के तेल का चूज करते समय ऐसे प्रोडक्ट्स का उपयोग करें जो कोमल, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से रिसर्च्ड हो। शिशुओं के लिए खनिज तेल, अल्कोहल, पैराबेन, सिंथेटिक रंग और फेल्टेस से फ्री ऑयल का चूज करें। गोटू कोला, मेथी, भ्रूंगराज, कोकोनट तेल, बादाम, जैतून, तिल जैसे तत्वों वाले तेल बेबी के लिए सुरक्षित होते हैं। ये सभी तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके सूखेपन को रोकने, बालों को पोषण देने और मुलायम और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। हेयर ऑयल से बाल होते हैं घने और मजबूत। हेयर ऑयल में आंवला बालों को मजबूत बनाने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। वही गोटू कोला बालों के थिकनेस को सुधारने में हेल्प करता है। भ्रूंगराज बालों को मजबूत और काला करने में मदद करता है। मेथी बालों के झड़ने को रोकने, बालों को मजबूत और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। बालों के लिए नारियल तेल के फायदे। नारियल तेल के भी कई फायदे हैं। ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, सूखेपन को रोकता है, हेल्दी बालों के विकास को बढ़ावा देता है। बादाम का तेल बालों को चमकदार और मुलायम बनाने में मदद करता है। जैतून का तेल बालों को रेशमी और चमकदार बनाए रखता है। तिल का तेल बालों को पोषण देता है। सिर की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन होता है बेहतर। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और बाल की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डेली रूप से अपने बच्चे के सिर की मालिश करें। मसाज करने के लिए एक नॉर्मल तौलिया लें। इससे धीरे से बालों को सुखाएं। बच्चों के बाल और खोपड़ी की त्वचा शुरुआती महीनों के दौरान संवेदनशील होती है, जिससे वो एलर्जी और जलन की चपेट में आ जाते हैं। शरीर और बालों के लिए एक ही तेल का उपयोग करने से भी बचें। इसके अलावा बच्चों के बाल समय समय पर कटवाना जरूरी है। छोटे बालों की देखभाल करने में आसानी होती है और वो उलझते भी नहीं है। सही कंघी का यूज करें। बच्चों की कंघी हमेशा
अलग रखें और इस बात का ख्याल रखें कि कंघी साफ हो। बच्चों के बाल धोने के लिए हमेशा बिना केमिकल्स वाला शैम्पू और कंडीशनर ही खरीदें। 2 साल से बड़े बच्चों के बालों पर आप दही और अंडे का लेप भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि दही ठंडी होती है, इसीलिए इसका यूज सिर्फ गर्मियों के दिन में ही करें। बच्चों के सुंदर बालों के लिए पौष्टिक आहार बेहद आवश्यक है। बच्चे के खाने में आंवला, गाजर, पालक अवश्य शामिल करें। आवश्यक प्रोटीन और पोषक तत्व बच्चों के बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। उनके आहार में पोषक तत्वों की कोई कमी ना हो। आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी आदि कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो बच्चों के आहार में शामिल होने चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चों के बालों में जुए या डैंड्रफ है तो भी विशेष ध्यान रखें। बालों में जुए होना एक आम प्रॉब्लम है। शैम्पू हमेशा अच्छा ब्रांड का ही लें। शैम्पू ऑर्गेनिक होगा तो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा गीले बालों में कंघी ना करें और समय समय पर बच्चों के बालों में तेल लगाते रहें, जिससे उनके बालों को पोषण मिले। बालों की केयर के साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखें। इसके अलावा अगर बेबी को किसी भी तरह की कोई भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।